भगवान श्री कृष्णंकर वाचनिक मूर्ति बामय अवतार श्रीमद भागवत भगवान को अनंत कोटिवार भक्तिपूत प्रणति निवेदन करी सिद्धार्थ भक्तिर परम पावन कार्यक्रम भागवत टुंगीर अगणित दर्शक श्रद्धालु भक्त भाई माँ मानू सभक्ति जय जगन्नाथ प्रणाम निवेदन करुच्ची। सज्जन वृंद विगत पर्याय आम मैंने शुणुले भगवान अवतार कथा जहाँ द्वितीय स्कंदर सप्तम अध्याय ब्रह्मा नारद को सुंदर भाव में बुझाऊंट हे देवर्षि नारद भगवान जुगे जुगे भक्त मान अवतार नि अदिति पुत्रंकरे स्थान गुणरे ज्येष्ठ सेवा मन गोविंद 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 पदुगळुछि मकरंद त्रिपादति नीलोक जीणी से अति यज्ञ नाम वाणी गोविंद 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 पदुगळुछि मकरंद जे धर्म मार्गे नित्य थांती जाचज्ञा बिनाता संपत्ति गोविंद 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 पदुगळुछि मकरंद ईश्वर आदि तनु धरी केहि न पारे ताहा हरि गोविंद 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 पदुगळुछि मकरंद बोल श्रीमद भागवत भगवान की अतिर दानेर बलिर बध तो दानवीर बलि प्रचुर दान करुले जी जहाँ मगुला द्वारा कई के भी रिक्त हस्तरे फेरु नथिले तो जेतबले देवता मानकर राक्षस मानकर मिलित भाव समुद्र मंथन हैला समुद्र मंथन रु अमृत बाहरिला एवं से अमृत को देवता मानक बांटी दे भगवान मोहिनी रूप से देवता मानक देलापर राक्षस मानकर भाग्य किसी पड़ेगा नहीं तो देवता मान प्रभु प्रबल बलशाली हेले एवं देवतांकर राक्षसंकर युद्ध हैला दैवासुर संग्राम युद्ध से ही युद्धरे जेहेतु राक्षस मान अमृत पाई पारि नाहंती गोटे राक्षस राहु केवल अमृत पाई थिला परवर्ती पर्याय भगवान सुदर्शन चक्र को पठे तार गंडी मुंड को अलग कर देथिले सेहितपई राहु एबे मध्य प्रतिशोध नबा पई सूर्य एवं चंद्र को ग्रास करे केतु मध्य ग्रास करे जहाँ आम सूर्य पराग आ चंद्र ग्रहण बोली कही था। सज्जन वृंद समुद्र मंथन परे अमृत बंटन परे जिते दैवासुर संग्राम युद्ध सरिला राक्षस माने समस्ते मृताहत ही पड़ती यही समय दैत मान गुरु शुक्राचार्य आसी पहुँची मृत संजीवनी छिंची जिते समस्त को बंचईदे से शुक्राचार्य को दानवीर बलि कहला राक्षस मान राजा कहले आपण भली गुरु थाऊ थाऊ आमर ये शोचनीय पराजय कौन पाई शुक्राचार्य कहले अरे बलि देख देवता माने छलना करी कपटता करी सेना अमृत को हरण कर नेले एबे भी तो पाखे उपाय अच्छे तू जदि करू तो निश्चय भगवान कर कृपा को प्राप्ति हबु ना कौन मत करिया को हबो सेवा कार्पण्य भक्ति बड़े साध्य महितले गोविंद 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 पदुगळुछि मकरंद बोल श्रीमद भागवत भगवान की गुरु शुक्राचार्य कहले सेवा कार्पण्य भक्ति बलि किबा असाध्य महितले एठी कार्पण्य शब्दर अर्थ होछि विनम्रता सेवा करिबा जे विनम्रतार सहकारी सेवा करिबा जो माने मनक मन करंतु सत्संगे हो बा अन्य कौन जगह भोजन वितरण करुचंती बा केही कार सेवा करुचंती से सेवाटा विनम्रतार सहकार करिबा दरकार यदि सेवा भितर अहंकार आसीगला मु करुछि मु न कले हे परिबने सेही सेवार आउ स्वाद किछि रहेना। सज्जन वृंद तो जितेबले जोटी आम सेवा कार्य निजक सामिल करुचे अंततः आम भितर टे विनम्रता कार्पण्य भाव टिके रहू जो गीतारे अर्जुन कहले कार्पण्य दोष अपहत स्वभाव पृछामि त्वं धर्म समूढ़ चेता जत्श्रेय संग निश्चित ब्रूहितन में शिष्यस्ते हं साधी मान त्वं प्रपनम। हे महाप्रभु विनम्रतार सहकार आपणकर समापन्न होची मो पई जहा श्रेयस्कर आपण कृपा करी ताहि करे दियंतु। तो समिति आज शुक्राचार्य कहउचंती बळी कि बळी सेवा कार्पण्य भक्ति बळे केबा असाध्य मही तळे। तो सेवा करी चाल विनम्रतार कर सहकार सेवा कर। तो बळी गुरुं का प्रेरणा रे जोड़िए यज्ञ करिसंती गोटे बाजपेय यज्ञ आउ गोटे विश्वजित यज्ञ जो यज्ञ रे केवि जाचक रिक्त हस्तर फेरी नांती जी जहाँ मागिछि बळी देई चलीचंती। तो यज्ञ रे एभली भाव रे से सेवा करिसंती जे देवता माने मध्य तांका प्रतिश्रुति की भूली आसी किए तुणीर किए अस्त्र किए रथ किए वस्त्र इत्यादि दान करी चली जाइछंती। बळी आज गुरु कृपारु बलवान होइछि स्वर्ग दखल करिछि एवं शेष थर पाई गुरुं निर्देश रे विश्वजित यज्ञ करिछि तुंगभद्रा नदी कूल रे जो यज्ञर पूर्णाहुति सरीते बळी की इंद्रपद निश्चिंत मिली था। तो जिते बळीर प्रकोप रे प्रताप रे स्वर्गुर देवता माने समस्ते जाई लुचिचंती। देवता मानकर जननी होइचंती अदिति देवी तांकर स्वामी कश्यपंग पाखरे प्रार्थना करुचंती हे स्वामी मो पिला माने कहीं देखा जाऊ नाहंती मो इंद्र चंद्र जी देवता माने कुआड़े गले। तो सेठी कश्यप कहउचंती देवी साधुसंत मानक असम्मानित कले जो फल मिले तम पिला मानक सेही फल मिलिछि कना आमे पूर्वरु सुनिथिले इंद्र जी भली भाव दुर्वासा को असम्मानित करथिले दुर्वासा कहते इंद्र तुम्हें लक्ष्मी चढ़ा ही जाओ आज से ही फल एपर्यंत भोगिया पड़ुछि। सज्जन वृंद आम कौन साधुसंत को सम्मान नदेले किसी कथा ना नदे पारिबा नदेले किसी असुविधा ना किंतु केबे साधुसंत को असम्मानित करने को चेष्टा करवा नहीं। आपड़ सम्मान दियंतु न दियंतु किसी जाय आसे ना किंतु डाकी हाकिक असम्मान कले अपराध आम मानकर हवा आम समस्त हम जमी देखु इंद्रंकर कौन ना सबू थाई कि अभिशाप पड़गला असमान करदे दुर्वासा को तेणु आज लक्ष्मी छड़ा हो गले इंद्र तेणु क्या सम्मान दियंतु न दियंतु किसी जाए से ना किंतु केबे असमान करने को चेष्टा करंतु ना। क्या पाखे कि साधना अच्छी कि सिद्धि अच्छी आमर कौन मापकाठी अच्छी आम जापर बर आम सम्मान न दियंतु असमान न करंतु भिक्षा न दे पारती किंतु थाल को केबे भांगिबा को चेष्टा करंतुनी। सज्जन वृंद जिते माँ प्रार्थना करती अदिति कश्यप को पाखे से कश्यप कहते देवी जदि तुम पिला तुम पुनश्च स्वर्ग दखल करने चाहूच ताले तुमको गोटे व्रत करने पड़ो जो व्रतर ना हूँ पय व्रत यही व्रत कठोर व्रत करने फल तुम कूल में भगवान आविर्भाव हे। देवी फाल्गुन मास शुक्लपक्ष प्रतिपदारू 12 दिन पर्यंत ये व्रत करिसंती जार परिणाम स्वरूप गोटे वर्ष रे भगवान निजे तांको कोले रे आसीचंती। भाद्र मास शुक्ल पक्ष 12वीं तिथि रे भगवान तांको पुत्र रूप रे आविर्भाव होईचंती। बोल बामन भगवान की जय। छळयसि विक्रमणे बळी मद्भुत बामन बळी मद्भुत बामन पदनख नीरजनित जन पावन पदनख नीरजनित जन पावन केशव द्रुत वामन रूप जय जगदीश हरे हरि हरि जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे हरि जय जगदीश हरे केशव द्रुत वामन रूप केशव द्रुत वामन रूप जय जगदीश हरे हरि हरि जय जगदीश हरे। श्री वामन भगवान की जय। वामन भगवान जितने प्रकट होती मध्याह्न समय वामन भगवान को दर्शन करने देवता माने छुट्टी आसी एवं छोट छुआ कि वामन आसी ना सी व्रत बयस रही जा 7 वर्ष बयस भाया 7 वर्षर पिला जमी देखा जाती सेमती वामन भगवान सुंदर त्रिपंड चिता मस्तक रे धारण करिसंती रुद्राक्षर माला परिधान करिसंती आउ मृगर छाल परिधान करिसंती देवता मान आसी भगवान को स्तुति करी हे महापुरुष मुकुंद वंदे तो चरणार बिंद तांकर पाद वंदना करिसंती। गुरु बृहस्पति आसीचंती, ब्रह्मादि देवता माने कहउचंती प्रभु आपणकर उपवीत संस्कार हबो। हाँ हाँ जहाँ तुम इच्छा ताहा कर। तो भगवान उपवीत संस्कार हो ब्राह्मण घर जितने उपवीत संस्कार हुए व्रतोपनयन हुए तो ब्राह्मण भिक्षा करिया को जानती, बटु ब्राह्मण भिक्षा करिया को जानती। तो जितने बामन भगवान को गुरु बृहस्पति कहते प्रभु आपण एमती कहवाक पड़ो भवती भिक्षाम देहि, आपण को भिक्षा मागिया पड़ो। तो किभली भाव में बामन भगवान भिक्षा करुँच ताहा आस्वादन करवा। अन्य देवता माने गुरु बृहस्पति नापसंद करिसंती काहेकि ना पार्वती होचंती जोगियाणी, तांको स्वामी होचंती परम जोगी। कहले ए भिक्षा चलिबनी, एमिति गोटे दानुआ लोक पाखक जातु जेमती जीवन में केबे आउ मागियाकू पड़बनी। ना किए सी ना सी दानवीर बड़ी आज ब्रह्मा कमंडल प्रदान करिसंती। माँ गायत्री देवी पुस्तक अर्पण करिसंती, साधुसंत माने कुश अर्पण करिसंती, इंद्र देवता छत्री प्रदान करिसंती, कृष्णार्जुन मेखला माँ धरित्री देवी प्रदान करिसंती, कुबेर बामन भगवान को भिक्षा झुली प्रदान करिसंती। आज बामन भगवान बड़ा सुंदर वेश धारण करी जाउचंती भिक्षा करिया पई। जेतळे बली राजार यज्ञ मंडप रे पहुँची जाइकरी सामवेद गान करिसंती। बली एवं तार स्त्री रो ना होउचंती विंध्यावली। गोटे झील थी तार ना हूँ रत्नमाला। पतिपत्नी धीए बामन भगवान को दर्शन करी तांकर पाद धौत करुचंती एवं बड़ काकुति विनती ही बड़ी प्रार्थना करुचंती हे ब्राह्मण देवता भो भी प्रदान माग मोते जे अबा चिंतु दगते। गोविंद 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 पदु गाड़ुछि मकरंदा ओ विप्रदान माग मोते जे अबा चिंतु दगते। गोविंद 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 पदु गाड़ुछि मकरंदा। बोल बामन भगवान की जय। बड़ी आसी भगवान कर पाद सेवा करी निजक कृत्यकृत्य मन करिसंती। आज मोहर महाभाग्य पाइली संत जन जोग विष्णु भक्त जन देखी निर्मल हुए चर्म आखि। विष्णु भक्त जनकर संसारे नाही आत्मपर। आज केते बड़ भाग्य मोर। मो यज्ञ मंडप को जने बटु ब्राह्मण आज वैष्णव जने आसीचंती, ब्राह्मण संत रूप रे आसीचंती, कृत्य कृत्य हो गले। महाभाग्य महाभाग्य मोर। हे ब्राह्मण देवता आपण कौन चाहूँ जहाँ मागे मु देवी। भूमि चाहिले देवी, सुंदर रथ देवी, हाथी घोड़ा चाहिए ताहा मध्य प्रदान करी, सुंदरी कन्या विवाहवाई देवी, रत्न सिंहासन ताहा मध्य मु देईपारे, सुवर्ण मुकुट सुवर्ण पलंक जहाँ चाहिए मु देईपारे। भो विप्र दान माग मते जे अबा चिंतु हृदयगते। हृदय जहाँ चिंता अच्छी मागंतु। किंतु बा भगवान तो जाइचंती बटु ब्राह्मण वेश धरिकी। छोट पिलाई कहले महाराज मु शुणी आपणकर बहुत प्रशस्ति, आपण बहुत दानुआ लोक बहुत दियंती, हेले मु तो पिला लोक मोर ये सब कौन हबो। थाउए वसुंधरिया की हेब सुवर्ण पलंक। गोविंद 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 पदुगाड़ुछि मकरंदा। समर्थ भुज थाउ बामे कि प्रयोजन उपाधाने। गोविंद 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 पदुगाड़ुछि मकरंदा। श्रीमद भागवत भगवान के। बामन भगवान कहते हे राजा बली मु जानी तू खानदानी वंश देला लोक, कहना तो बापा का ना विरोचन, अजा का ना प्रहलाद, अणजा ना हिरण्यकश्यप, बड़ खानदानी वंश तू तू दिए मु तो पिला लोक मते कौन हब। ये थाउ ये वसुंधरी अंक कि हे सुवर्ण पलंक, तू जो सुनार पलंक दबा कथा मते कहूचु मते कौन से हब, लाभ कौन हब। जदि निद माड़ब, निद माड़े माँ कूल छोईले छुआ को जो आनंद लगे सही आनंद सुवर्ण पलंक मिल ना। थाउ ये वसुंधरी अंक माँ कोल किए सुवर्ण पलंक समर्थ भुज थाऊ बामे एभलिया हाथ अच्छी निद माड़े हाथ टिके गाल तले दे शोईगले तो यथेष्ट कि प्रयोजन उपाधाने उपाधान कहले तकिया तकियार कौन आवश्यकता अच्छी जिते शोष लगे आंजुड़ी अच्छी से सुना पात्र कौन से आवश्यकता ना मुझे नापी चाहेना भगवान छलना करी ए प्रकार वाक्य प्रयोग कले दानवीर बलि प्रति बलि कहला महाराज जदि आपण किसी ग्रहण न करिवे ताले मोर अपराध हम मो यज्ञ निष्फल हो कहीं आपण होती अतिथि अतिथि जोटी रिक्त हस्तर फेरी जाती से गृहस्थर अमंगल हो जाए जा घरु अतिथि बाहुडे से प्राणी प्रेत मुखे पड़े गोविंद 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 पदुगड़ुची मकरंद अतिथि होइले निराश सकल पुण्य हुए नाश गोविंद 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 पदुगड़ुची मकरंद गृहरे जेते पुण्य थाई अतिथि संगे बाहुड़ई गोविंद 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 पदुगड़ुची मकरंद श्रीमद् भागवत भगवान की कहले जा घरु अतिथि बाहुड़े से प्राणी प्रेत मुख्य पड़े अतिथि होइले निराश सकल पुण्य हुए नाश जदि आपण किसी ग्रहण न करिवे मोर समस्त पुण्य चली जीवो मु प्रेत मुखरे पड़बी आपण किसी मागंत बामन भगवान देखिले ये दबापाई पूरा तैयार कहले हाँ हाँ मुबी जे मात्र मु तो ब्राह्मण लोक बिना संकल्प किसी ग्रहण करीबिनी तु आगे संकल्प कर जा दबा कथा तापर मागीबी तो जिते बड़ी संकल्प करने शंख आनी पाणी पुरी संकल्प करेंगे यही समय यज्ञ मंडप शुक्राचार्य थे बलिंकर गुरु दौड़ी आसिले कहे अरे बलि कौन करवाक जाऊँ ना मु बामन को दान देवाक चाहूँगी ये ब्राह्मण को किसी दान देवाक इच्छा करुच्ची ना रे आंकु कौन बोली भावुचु ना जड़े ब्राह्मण पिला भिक्षा करने अरे नाई नाई एहांकु सामान्य नमण ये जे अनादि नारायण गोविंद 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 पदुगड़ुची मकरंद ब्रह्म पुरुष तोर घरे आसीछि बामन शरीरे गोविंद 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 पदुगड़ुची मकरंद एहांकु सामान्य नमण ए जे अनादि नारायण गोविंद 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 पदुगड़ुची मकरंद बोल बामन भगवान की जय। शुक्राचार्य चिन्ह देले कले बड़ी या साधारण ब्राह्मण बोली भावना रे ये स्वयं भगवान मागिबा को आछंती बोली छोट होइकरी आछंती याकु सामान्य नमण ए जे अनादि नारायण तेबे कौन बलिंकर बामनकर कथोपकथन होती आस्वादन करवा दिव्यात्मन आम मैंने शुणुले जिते शुक्राचार्य आसी पहुँची जाती कहले बलि या देना किसी या साधारण बोली भावना ये छोट होती भगवान मागिया छोट हो जाती जी मागे सी छोट हो जाए बलि बुझेदेले कहले महाराज जगत को जी जगाऊ खाद्य ताकू के किस देव नैवेद्य सारा संसार को जी चला ताकू कौन दे किए संतुष्ट कर पाराणी बलि देना बलि हाथ जोड़देला गुरुदेव आपण बहुत भल कथा कहले क्या मुझे जाणी नी भगवान बोली गुरुंकर काम शिष्य को भगवान को चिन्ह दबा जो कामटी आपण तापरे आपण मना करवाई यही कथा को क्षमा करेंगे मु मानि पारि कहीं नारा सारा संसार भगवान को मागे पुत्रं देहि पौत्रं देहि धनं देहि तमे वच हे महाप्रभु मते दरकार सब समस्ते भगवान को मागंती किंतु आज भगवान मते मागिया को आछंती आज भगवान मते मागुचंती ये केते बड़ सौभाग्य मोर तांको जिनिस ताको दबारे कोउटी मोर मुंकारत रहिला मु कोन बा तांको देई पारिबी जाहंकर पावन पदार बिंदरु कुलकुल नादरे गंगा जमुना बड़ी नदी माने प्रवाहित होचंती लक्ष्मी देवी जाहंकर भंडार गरुड़ जाहंकर आसन मु तांको कोन देई तृप्त करिबी ना आज प्राण मागिले मध्य मु देई पारे किंतु प्रभु को मुझे फेरैबी नहीं। शुक्राचार्य कहले बलि देख जदि मो कथा न मानु यही क्षणी तोर सर्वस्व चली ना जाऊ पछे प्राण जाई बरु वचन न जाई प्राण पछे जाऊ किंतु वचन भ्रष्ट मु केबी हेबिनी बामन भगवान को पाखरे बलि संपुट करजुगल रे विनम्रतार सहकार प्रार्थना कले, हे बामन आपण जहा इच्छा ता मागी नहीं पारती ना, तेबे संकल्प कर। संकल्प जिते करने बड़ी बसी शुक्राचार्य चिंता कले मुतु आर पुरोहित कौन से प्रकार पूरर हित करवा कम मोर, तो निजे गोटे माछी बेश धरिक से शंख भितर प्रवेश कर जाती। जलर गतिपथ को रोकवाई जिते पा ढाड़ुंट बड़ी निगिड़ा ना, तो शुक्राचार्य निजे पशिं माछी होकर ये बामन भगवान कहले कहले बड़ी बहुत दिन है बोधे तो शंखरे भल संकल्प कार्य किसी करनाऊँ से बोधे अलिया लगी जाइए मु सफा करदे कही से जो कुश साधुसंत मैंने दान करते से कुशरे किंचिदेले जमती कुश भर्ती करदे माछीटर गोटे आखि कणा हो गला। से दिन ठारू एक आखिया हो गले शुक्राचार्य ता माने भगवान गोटे बड़ शिक्षा देले जे गुरु हेबे जगत रे एक दृष्टि रे समस्त को देखिया दरकार। गुरु के पाखे धनी गरीब बड़ सान ए भावना रहिबा उचित नुहे। शुक्राचार्य चलीगला परे एबे बामन भगवान कहले बलि दबना ना, निश्चय प्रभु संकल्प करूची जहाँ मागीबे मु देबी। कौन बामन भगवान मागिले? मोर पादरे पाद तीने मापीण दिया एमे दीने। गोविंद 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 पदुगड़ुची मकरंद। मोर पादरे पाद तीनी मापीण दिया एमे दीनी। गोविंद 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 पदुगड़ुची मकरंद। बोले श्री बामन भगवान की जय। कहले मोर पादरे पाद तीनी मापिण दियो ये मेदिनी। कहले मो पादरे मात्र मु तीन पाद नवा को चाहूँगी बेसी ना। बड़ी ठो ठो भाजी हसिले कहले तमें छोट पिला तो तुमर बुद्धिर परिपक्वता आसेनी, क्या मागुच जापर तो मु दानवीर बली जी दिने मते थरे मागिची ता जीवन ना भोजनर कष्ट ना रहिबार कष्ट ना बस वस्त्र कौन अभाव रहे ना। अरे पिला लोक तो मुझे सुजोग दौची चिंता करी माग चण मु विरोचन पुओ बली मजार ना प्रह्लाद मु देला बाला। अरे एते छोट जिनस कौन मागुच? तीन बाटी मागिले देवी, तीनटा राज्य मागिले देवी, तुम मत छोट जिनस मागुच तीन पादे, तुम पाद फणी केड़े कोनी कोनी पाद ना बली दबु जदि दे नले मु चालिली कही बामन भगवान जितने मुह बोल बड़ी जाई चरण तले पड़गला। हे बामन भगवान, हे बामन देवता आपण जहाँ नेबे नियंतु, तीन पादरे नेबे तो नियंतु केड़े कुनी कुनी पाद जदि से आपण संतुष्ट मोर किसी कहबार ना। बामन भगवान कहले प्रस्तुत ना? आज्ञा प्रस्तुत। बामन भगवान निज शरीर को विस्तारित करुचंती। किभली भाव में बामन भगवान विस्तारित कले एवं बलिठू दान ग्रहण कले ताहा आज नुहे आसंता काली आमे मैंने आस्वादन करिबा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। बोल श्री राम भगवान की जय।